नाउ व्हाट इज चाइल्डहुड बेसिकली अगर हम देखें, चाइल्डहुड है क्या? चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन, हमारी जिंदगी के लाइफ स्पैन का इतना समय, यहां से हमारी जिंदगी स्टार्ट है अभी तक इतनी, इतना तो जिंदगी देख लिया आपने 30 इयर्स, 30 to 40 इयर्स में, राइट? एक क्या है, व्हाट इज चाइल्डहुड? चाइल्डहुड है इज अ पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन, ऐसा पीरियड है लाइफ स्पैन का बिटवीन इन्फेंसी एंड एडोलसेंस। इन्फेंसीज, इन्फेंसी मतलब क्या होता है, 1 से 2 साल यस मैम, 12 बच्चा छोटा होता है, एडोलसेंस 12 से 13 साल, से द 13 टाइम यू आर बॉर्न, 1 साल से 13 साल तक का जो समय होता है वो चाइल्डहुड के बीच में आता है, दैट इज चाइल्ड। पूरे जीवन अभी तक जितना का हमने जीवन जिया है उसमें से 1 से 12 साल का जो समय वो हमारा जीवन का चाइल्डहुड है, क्योंकि तो हमारे डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट एज, हम बढ़ने की एज, मेंटली फिजिकली इमोशनली कई चेंजेस आते हैं इस एज में, राइट? यस मैम, नाउ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट है द ग्रोथ ऑफ, लिखो उसको, व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट? एंड वट एवर यू आर राइटिंग हो शालू, फील इट एंड राइट। यस मैम, चाइल्ड, वट एवर यू आर राइटिंग, फील इट एंड देन राइट, इट इज वेरी इमोशनल टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, राइट? चाइल्ड डेवलपमेंट, जितने क्वेश्चंस भी आपने कराए हैं ना मैम, मैं उनको अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन राइट करती हूँ, क्योंकि राइट करने से ना मेरे को एक चीज समझ आया कि जितना स्लोली मैं, अगर इंग्लिश में जितना स्लोली बात करूंगी उतना क्लियरली बात कर पाऊंगी, उतना वर्ड्स माइंड में आ पाएंगे। अब मुझे लग रहा है जो बातें मैंने आपको बताई है ना, अब आप उसको अमल करके आप खुद वही बातें आप रिपीट कर रहे हो। वाई, ऐसा क्यों, क्या होता है ना, बोलने को मैं बहुत सारी चीजें बोल दूंगी पर आप उसे जब आप समय दोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको लगेगा हाँ यार धीरे धीरे बोलूंगी तो क्यों, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप धीरे धीरे बोलोगे आपके माइंड को सोचने का समय मिल जाएगा, यस मैम, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर देते हैं, कहते हैं ना हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, एकदम से रिएक्ट करने को वैसे भी गलत माना गया, वैसे भी गलत माना, स्पिरिचुअली देखें जो समय ठीक नहीं चल रहा होता, यू वी रिएक्ट इमिडिएटली, उससे क्या होता है बहुत चीजें खराब कर देते हैं लाइफ में, और जहां उसी के बदले हम थोड़ा रुक जाएं और तब रिएक्ट करें तो बहुत फर्क पड़ता है, फाइन, राइट? कुछ नहीं करना है आपको, स्लोली एंड ग्रेजुअली करना, प्रैक्टिस मत छोड़ना, प्रैक्टिस एक दिन की भी छोड़ दी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, डैश करो, द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ परसेप्शुअल, परसेप्शुअल मतलब समझने की शक्ति, परसीव करना, जांचना, द ग्रोथ ऑफ परसेप्शुअल इमोशनल इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब थिंकिंग, यस मैम, एंड बिहेवियरल कैपेबिलिटीज। ड्यूरिंग चाइल्डहुड क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ, क्या बढ़ रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि बच्चा 2 साल से 3 साल का हो गया, अरे हाइट बढ़ गई, अरे बच्चा काफी बड़ा हो गया, ये फिजिकल वर्ल्ड में जो हम लोग देखते हैं वो बता रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में, जो अभी जो आप कह रहे हो बच्चे में, दैट इज ग्रोथ क्या हो रही, परसेप्शुअल, परसीव करना क्या सही है क्या गलत है, राइट? परसीव करना चीजों को, समझना चीजों को, फिर क्या ग्रोथ कर, इमोशनली कई चेंजेस आते हैं, इमोशनली इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंट। थिंकिंग में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आता है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में, इसको बोलना चाहिए। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे ओके फाइन, यू वांट टू टीच यंग स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट चाइल्डहुड, व्हाट इज चाइल्डहुड, सो आप अपने वर्ड में आंसर दे सकते हैं, मैम चाइल्डहुड इज अ ब्यूटिफुल फेज वेयर द चाइल्ड फ्रॉम
फ्रॉम इन्फेंट टिल एडोलसेंस एज देर आर सर्टेन चेंजेस विच टेक प्लेस इन द चाइल्ड फ्रॉम एज 0 टिल एज 12 एंड 13. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्डहुड एज एंड सर्टेन चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग पैटर्न, परसेप्शुअल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, थिंकिंग चेंजेस, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, दीज टेक प्लेस इन द चाइल्ड. सिंपल, दिस इज चाइल्ड हुड, राइट. इसको लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑटोमेटिकली एक दो बार रिवाइज करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा. व्हाई आर वी डूइंग दिस टॉपिक, बिकॉज आप यू विल स्टार्ट टू टीच यंग स्टूडेंट्स फर्स्ट, यस मैम, राइट. एंड अ स्कूल लाइक ओपी जिंदल और किसी अच्छे स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो वो अगर आपको क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, व्हाट इज चाइल्ड हुड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चाइल्ड हुड, राइट. नाउ एड चाइल्डहुड टॉपिक लिखो, फिर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे. चाइल्डहुड लिखो, पहला ब्लड रिलेटिव्स, सेकेंड बीच में जॉइंट फैमिली. व्हाट इज फर्स्ट मैम? ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेशन. सपोज आपके सिस्टर है, आपकी डॉटर है, आपकी डॉटर की ब्लड रिलेशन कौन है? आपकी छोटी बेटी, राइट. दैट कम्स अंडर ब्लड रिलेशन. सेकेंड जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली. थर्ड इज इनहेरिट. इनहेरिट, इनहेरिट मतलब क्या होता है, हमारी फैमिली में कोई नहीं है, समबडी हु हैज डाइड, उनकी प्रॉपर्टी या कुछ आपको मिली हो. इनहेरिट ये भी होता है कि सपोज पुराने जमाने में क्या होता था, एक मैन हैज डन टू मैरिजेस, राइट. नाउ दैट मैन इज नो मोर, उसकी जो प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी वो बच्चों को ऑलरेडी मिल जाएगी, तो वो बोलते हैं इनहेरिट चाइल्ड है. इनहेरिट चाइल्ड मतलब क्या होता है कि सिर्फ उस आपकी मदर से नहीं हुआ है, दूसरे मदर से हुआ है, बट बिकॉज फादर वॉज द सेम, दैट इज वाई इट्स इनहेरिट चाइल्ड. नाउ अब ब्लड रिलेटिव क्या हो गया, ब्लड रिलेशन में ब्रैकेट में करो, ब्लड रिलेशन के नीचे ब्रैकेट डालो, उसमें लिखो समवन यू आर रिलेटेड टू थ्रू बर्थ. यस मैम. रैदर देन मैरिज, मैरिज के बाद नहीं, मैरिज से पहले आप जिससे रिलेटेड हो. लाइक माय सब सिब्लिंग्स, माय फादर, माय मदर, दोज आर योर ब्लड रिलेशन, मैरिज से पहले जिनसे आप ब्लड से थ्रू बर्थ रिलेटेड हो. माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर. यस, तो आपका ब्लड रिलेशन, दे हैव योर ब्लड, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडमदर, उनसे आपके फादर हुए है ना, उनसे आप, सो दैट दोस कम्स अंडर योर ब्लड रिलेशन, राइट. आपके मामा हो गए, यस मैम, मामा के बच्चे, वो सब ब्लड रिलेशन में आएंगे आपके, सिंगल में है जो एक 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 स्टेम से ही रूटेड है सारे के सारे. फिर जॉइंट फैमिली. नाउ मेनी मैं इन इंटरव्यू मेनी पीपल आस्क, यू स्टडी, यू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली और विद ब्लड रिलेटिव्स, राइट. सो दीज आर द क्वेश्चन जो कॉमनली पूछे जाते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट इज जॉइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली? अ फैमिली यूनिट दैट इंक्लूड्स ग्रैंड मदर. सपोज अगर अभी आपको यू नॉट स्टेइंग विद जॉइंट फैमिली, यू आर स्टेइंग विद योर हस्बैंड एंड डॉटर्स, राइट. वेयर एज व्हेन यू विल गो टू हिसार, जब आप हरियाणा जाओगे तो आप जॉइंट फैमिली के साथ रहोगे, मीन्स इन लॉज और योर ग्रैंड फादर, योर ग्रैंड मदर, राइट. Now, what is inherit? To receive property or money from someone who has already died. Who is no more. To receive? To receive property. Already die is specifically, because
inherent is something that I take from my father, take from my grandfather. Now, why the term has used die? देखो क्या होता है, जब तक हमारे parents है ना, Yes, तब तक क्या होता है, तब तक property parents की होती है. जब आपके grandfather रहे, जब आपके grandfather रहे होंगे, तो grandfather के नाम पे थी ना सब चीज. If he is no more, automatically तो father के नाम पे आ जाएगी, right? और यहाँ जो हम इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब जो जो भी चीज हम पेरेंट्स से सीखते हैं, बट जब हम ब्लड रिलेशन की बात करें, फैमिली की बात करें, इसमें इनहेरिट, इनहेरिट मतलब टर्म सब ब्लड रिलेटिव्स जॉइंट फैमिली. इनहेरिट फैमिली का मतलब ये होता है जो फैमिली में सबको, कई लोग होते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा. बट लॉयर क्या बोलता है, लॉयर बोलता है ये चीजें आपकी है, यू हैव इनहेरिटेड दैट, आपने इनहेरिट ले रखी है. या फैमिली के टर्म में अगर हम देखें तो मैंने जैसे बताया स्टेप मदर, यस फादर मैम, सेम है, मदर दो है, तो उसमें क्या होता है, इवन द फादर इज नो मोर, प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी बच्चों. आई एम द इनहेरिट चाइल्ड बोलते हैं ना, यस मैम, दैट इज. पहले इन टर्म्स को बहुत दबाया जाता था, बट आजकल आप सीरीज में देखोगे, मूवीज में देखोगे, ये टर्म बहुत उठ के आ रहा है. जैसे पहले मूवी थी जलवा, जलवा सलमान खान की एक मूवी है, पहले बहुत पुरानी, तो जलवा उसमें क्या था, उसमें सलमान खान ऋषि कपूर जो होता है उसका बेटा रहता है, तो वो जो ऋषि कपूर था अब्रॉड में सेटल होता है, सलमान खान जाता है, बोलता है कि नो आई एम योर सन, तो बोलते कैसे है ना, तो वो इनहेरिट चाइल्ड. ऐसे कई सीरीज में आ रहा है. यस नाउ एक और चीज, तीन चीज और ऐड होती है इसमें. फर्स्ट इज एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स कौन है. मैम, सेकेंड डिसेंडेंट्स, उसको भी लिखो, लिखो एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स, डिसेंडेंट्स, DES, TES, CEN, DANTS, डेंट्स. एंड थर्ड इज हाफ ब्रदर, हाफ ब्रदर. नाउ व्हाट इज एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज हैं, जो लाइक फादर ऑफ माय ग्रैंडफादर एंड द फादर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स फादर. फैमिली मेंबर्स फ्रॉम पास्ट जनरेशन, वो हमारे फैमिली मेंबर्स, एंसेस्टर, पूर्वज, फैमिली. देखो चलो ये चीज है ना, अभी क्या होता है ना, देखो मैं बताती, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, आप एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हो. यस मैम, अगर कुछ ओके फाइन, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंसेस्टर्स, बिकॉज ये सब चाइल्डहुड में आएगा, ये सब चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं आए, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. एंड अगर कभी, कई बार क्या होता है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये ग्रुप डिस्कशन में बहुत आती चीजें, बिकॉज अगर आपको अच्छे स्कूल में जाओगे ना, तो वहाँ GD होता है, टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो उनको ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं, राइट. नाउ कोई भी टॉपिक ले लेंगे, हु आर आवर एक्चुअल एंसेस्टर्स, कैन यू टेल मी, हमारे एक्चुअल एंसेस्टर एप्स, एप्स मंकीज, वहां से हमारा ओरिजिन. तो एक ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दे सकते हैं, तो उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज हु आर एंसेस्टर्स. इसमें अगर आप ऐसा आंसर दोगे, आर फादर, ग्रैंड फादर, फादर ऑफ माई ग्रैंड फादर, ये बहुत ही नॉर्मल नहीं लगेगा, कॉमन नहीं लगेगा ये आंसर. बट फैमिली मेंबर्स फ्रॉम पास्ट जनरेशन आर कॉल्ड एंसेस्टर्स, ये क्या लगेगा, ये थोड़ा कॉमन लग रहा है, राइट. द नाउ सेकेंड डिसेंडेंट्स क्या होता है, डिसेंडेंट्स, पीपल हु आर लिविंग इन 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 अ डिस्टेंस दैट लाइक इफ आई हैव अ सिस्टर एंड शी लिव्स इन द फॉरेन कंट्रीज. कुछ ना कुछ है, बट एक्चुअली हाँ वो सही बता रहे हो, बट अगर प्रॉपरली फॉर्मली पूछा जाए डिसेंडेंट क्या होता है, डिसेंडेंट ये होता है पर्सन हु इज रिलेटेड टू यू, हु लिव्स आफ्टर यू, आपके बाद जो रहेगा. देखो जब से आप पैदा हुए उसके पहले की बात नहीं कर रहे हैं, तो पर्सन जो आपसे रिलेटेड है और आपके बाद भी रहेगा. सबसे लाइक पहले माय एग्जाम्पल ग्रैंड, आप, यस, डिसेंट करना, डिसेंट करना, डिसेंट करने से मतलब, देखो हम लोग बहुत आम वर्ड्स में, आम उसमें कई वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसका. एंसेस्टर्स क्या है, मेंबर्स फ्रॉम पास्ट जनरेशन. पास्ट डिसेंडेंट क्या जनरेशन है, डिसेंडेंट इज मेंबर्स, समथिंग,
पर्सन हु आर रिलेटेड टू मी, जो मेरे बाद भी रहेंगे, कौन? फॉर एग्जाम्पल बच्चे, राइट डाउन अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू यू and who lives after you. Once, I think once is the meaning of this word. Once is bolte, once bolte na, once. Yes, yes, one shot, yes. एक आज का वो चलता है ना जो बोलते हैं एक family tree होता है, family tree. Yes, my family tree. क्योंकि उसमें आप देखोगे जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक स्क्रैप बुक में फैमिली ट्री होता है, इसमें फोटो स्टिक करनी पड़ती है. Yes, ma'am. Right? So that, that, वो उसमें फोटोज आप अपने डिसेंडेंट्स के अप्लाई करोगे जो आपके बाद भी रहेंगे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू यू एंड हु लिव्स आफ्टर यू, सच एज योर चाइल्ड, grandchild, bracket में future generation. आया समझ में? Yes, ma'am. आज हमारा बहुत बड़ा डाउट डिसेंडेंट को लेके क्लियर हो गया. डिसेंडेंट वो नहीं रहेगा कि आपके सिस्टर है जो वहां रहती है, डिसेंडेंट आपका ये हो गया कि आप ही के बाद फ्यूचर जनरेशन जो आपकी है वो आपके डिसेंडेंट कहलाएंगे. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इनहेरिट को लेके आपके मन में वो था, थर्ड है हाफ ब्रदर. लिखवाया मैंने हाफ ब्रदर, यू नो व्हाट इज हाफ ब्रदर. हाफ ब्रदर क्या हो सकता है, क्या आ रहा है आपके दिमाग में हाफ ब्रदर समझ? आई डोंट, ब्रदर बट नॉट फ्रॉम द सेम मदर. हाफ ब्रदर मीन्स इधर मदर और फादर में से एक चीज कॉमन है आपकी, या तो मदर कॉमन है या तो फादर कॉमन, दैट इज हाफ ब्रदर. देखो इनहेरिट चाइल्ड भी बोलते हैं, आगे समझ में? ये लिंग उससे ही है. वैसे हाफ ब्रदर से हाफ सिस्टर भी होता है, सेम हो गया, राइट. नाउ डिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट. Now, आप पे डिपेंडेंट कौन है अभी? माय डॉटर. योर डॉटर्स आर डिपेंडेंट ऑन यू. व्हाई आर दे डिपेंडेंट? ऑब्वियसली हम कई बार गुस्से में बच्चों को बोलते थे ना कि बेटा जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो आपको नहीं करेगा, वो आपको फाइनेंस उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं फाइनेंस. पेरेंट्स का भी गलत राय बच्चे को नहीं देते, बिकॉज वी आर, यू आर डिपेंडेंट ऑन अस राइट नाउ, राइट. हम समझाते टाइम बोलते हैं तो डिपेंडेंट कौन है आपका? आपकी डॉटर्स हो गई, जैसे वो डिपेंडेंट है आप पे. लास्ट एडोलसेंट, ये सब चाइल्डहुड के टर्म्स आते हैं. एडोलसेंट क्या है? अ यंग पर्सन हु इज डेवलपिंग इनटू एडल्टहुड. एक छोटा पर्सन जो एडल्ट में कन्वर्ट होकर निकलेगा बाहर. एक एडोलसेंट ऐसी एज होती है, कहते हैं ना बहुत ही नाजुक एज होती है एडोलसेंट, बहुत ही नाजुक. स्ट्रॉम एज, देयर इज मेनी नेम्स ऑफ एडोलसेंट्स लाइक स्ट्रॉम एज एंड रफ एंड टफ एज एंड टर्म एज उनके लिए है जिनके पहले सा बेस क्लियर नहीं है. बेस सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चाइल्डहुड, सो मैम चाइल्डहुड आई फील इज अ वेरी इमोशनल टर्म, एंड चाइल्डहुड इज अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू मदर, स्पेशली मदर कैन अंडरस्टैंड इट. व्हाई? बिकॉज 80% ऑफ द टाइम द चाइल्ड इज विद मदर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू इनहेरिट सर्टेन संस्कार्स इनटू द चाइल्ड. Where, when the child enters the age of adolescence, which is also called the storm age, the child is perpetually in a very strong mood, in a very strong emotions, deals with that age. I read it about in my psychology, yes. Child psychology. These all terms are of child psychology. But, padhna aur usko samajh imply karke bolna. That is different. है ना?
तो व्हाट आई विल डू इज टुमारो, मैं सोच रही हूँ मैं इंटरव्यू जब आपसे लूंगी ना, आई विल ऐड 3 मोर क्वेश्चंस, गोल्स वाला ऐड करूंगी मैं, एंड आई कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट चाइल्डहुड, ओके मैम, एंड सिस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपको, डिसेंडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, एक सिनेरियो दे सकती हूँ आपको, राइट सिनेरियो आप तब उसमें क्या होगा, प्रॉपर इंग्लिश में मुझे चाहिए, वो कब होगा, वो तब होगा जब आप सोच के डिसेंडेंट क्या है, एंसेस्टर क्या है, अपने इमोशनली उस आंसर को दोगे, देखना इमोशनली दोगे ना उस आंसर को, तो बहुत अलग से खिल के आएगा वो आंसर, एक्सप्रेशंस जेस्चर्स ऑटोमेटिकली यूज होंगे। एक मैंने दो चीजें आपको और क्वेश्चन लिखवाए थे याद है, इंटरव्यू प्रोसेस से रिलेटेड यस मैम, पूछूंगी कल, गोल्स पूछूंगी और चाइल्डहुड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके मैम, ब्रशअप कर लोगे ना, समझ में आ गया जो मैंने अभी तक जो समझाया, चाइल्डहुड एंड गोल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, नो मैम, क्लियर कंसेप्ट? यस मैम।